नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना टालीबीट्स टीवी चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। और अब बात करने जा रहे हैं जी टीवी के दी मोस्ट पॉपुलर शो भाग्य लक्ष्मी की। दोस्तों, सीरियल भाग्य लक्ष्मी की कहानी में आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरह से अब रोहन लक्ष्मी को माँ कहेगा, जिस बात से मनीषा को रोहन पर काफी ज्यादा गुस्सा आएगा, जिस गुस्से में वो रोहन के साथ बदसलूकी करेगी, जिसे देखकर शालू बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाएगी और मनीषा को भला बुरा सुना डालेगी और उसे धमकी देगी कि जिस तरीके का व्यवहार उसने एक छोटे से बच्चे के साथ किया है, अगर ये बात उसने घरवाले के सामने बताई तो मनीषा के साथ क्या होगा वो सोच भी नहीं सकती है। दूसरी तरफ रोहन पारो को लेकर काफी ज्यादा परेशान है। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है और उसे बोरवेल से बाहर निकालना चाहता है। ऐसे में वो बिना किसी की सुने, बिना किसी से कुछ कहे बोरवेल में कूद जाता है। पर्स को देखकर सभी घरवाले लक्ष्मी, ऋषि, नीलम सब के सब एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन मलिष्का इस बात का फायदा उठाने के बारे में सोचती है और वो जो है ना यहाँ पर लक्ष्मी के ऊपर सीधे टारगेट करती है और शालू को टारगेट करती है कि तुम दोनों की वजह से मेरे बेटे ने यहाँ पर धक्का दिया है, तुम्हारा ही प्लान था, तुमने इनको उसको बोरवेल में गिरा दिया वगैरह वगैरह। और फिर क्या, इस बात को वो इतना बढ़ा देती है कि मलिष्का यहाँ पर पुलिस को बुला लेती है, घर वालों की बात एक नहीं सुनती है और यहाँ पर पुलिस आती है और लक्ष्मी को गिरफ्तार करने भी वाली होती है कि ऋषि बीच में आता है और अपनी लक्ष्मी को बचाने के लिए सारी हदों को पार कर देता है और तभी बोरवेल से हमारी लक्ष्मी और हमारे पारो और हमारा रोहन जो है ना उसको बाहर निकालने की जद्दोजहद चल रही होती है। तो पुलिस भी वहाँ वेट कर रही होती है और फाइनली रोहन और पारो को सेफली बाहर निकाल लिया जाता है, जिसके बाद रोहन खुद इस बात का खुलासा करता है कि मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ और मैंने बिना किसी से पूछे यहाँ पर कूद गया ताकि मैं अपनी बहन को बचाकर वापस लेकर आ सकूँ। तब ये सारी चीज़ें जो जब पुलिस सुनेगी तो मलिष्का का प्लान फेल हो जाएगा और नीलम को आ जाएगा मलिष्का पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कि तुम कैसे कर सकती हो ऐसी बेवकूफ़ी। तो गाइस, काफ़ी मस्त होने वाला है ट्रैक। इस बात से ऋषि भी मलिष्का से नाराज़ होने वाला है। तो ऐसा लग रहा है कि मलिष्का जो है ना अपने लिए खुद ही गड्ढा खोद रही है और उसमें खुद ही गिर जा रही है। तो गाइस, बहुत ही अमेजिंग होगा सीरियल का आने वाला ट्रैक, ज़रूर देखिएगा। और ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आप सबको ना इससे भी अच्छे अच्छे अपडेट आपको देती रहूँ।